तैयारी करने वाले साथी हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार। तो जैसा कि कन्वर्जेंस जो पीजीटी केमिस्ट्री में आने की संभावना है, उन्हीं कन्वर्जेंस को लेकर के मैंने आज ये वीडियो बनाई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कन्वर्जन आ सकते हैं, कौन कौन से कन्वर्जन इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से कन्वर्जन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। इन सभी बातों को हम आज इस पूरी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो एंश्योर करता हूँ आपको इस बात से कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। दूसरी बात ये है कि कभी भी एग्जामिनेशन में जो कन्वर्जन्स आते हैं उनमें खास बात ये होती है, लगता कुछ और है और बनता कुछ और है। कंसेप्ट जरा सा भी अगर मिसअंडरस्टैंड होता है तो फिर पूरा कन्वर्जन गलत हो जाता है। तो मैंने कुछ कन्वर्जन ये कलेक्ट करके रखे हैं आप लोगों के लिए, और वो कन्वर्जन कौन से हो सकते हैं तो मैं कन्वर्जन करता भी जा रहा हूँ और आपको बताता भी जा रहा हूँ। तो इसलिए पूरी एक एक लाइन पूरी वीडियो की आप देखते रहिए। हमने सबसे पहला कन्वर्जन यहाँ पर लिख रखा है, कन्वर्जन ये दिया हुआ है, रिएक्शन के साथ वाले कन्वर्जन है यहाँ पर। एक तो यहाँ पर इन्होंने बेंजीन बनाया, एक एक कन्वर्जन डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ में, देखते रहिए आप। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके ये बेंजीन बना दिया। इस बेंजीन के साथ में रिएक्शन करा देनी थी CH3 CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके बाद है Cl, और एरो पे लिखा था AlCl3 anhydrous, पता ही आपको, उसके बाद हीट लिखा हुआ। अक्सर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना है इस तरीके से कि आखिरकार प्रोडक्ट होगा क्या। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि अक्सर जो गलती करके आएंगे लोग, वो गलती क्या होगी, गलती ये होगी कि आप अधिकतर लोग प्रोडक्ट ये बना करके चले आएंगे कि यहाँ पर पता है कि भैया CH2 और CH3 बनेगा, लेकिन ये आंसर आपका गलत है, ये नहीं हो सकता। कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ, कारण ये होगा इसका कि अगर मान लीजिए ये मैंने CH3 CH2 CH2 और यहाँ Cl लिया, इससे मैंने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, AlCl3 डाला, तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, लेकिन ये कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है, ये कार्बोनियम आयन जिसे आप बोलते हैं कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, ये लेस स्टेबल है और ये अपने आप को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, ये बना देगा इस तरीके से CH3 CH और यहाँ पर आपका CH3 और ये पॉजिटिव, ये 2 डिग्री का। आप जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री से। तो मतलब ये होगा कि ये पोर्शन जुड़ना चाहिए बेंजीन में। तो करेक्ट रिएक्शन फिर क्या होने की संभावना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर इस पे अटैक ये होगा तो कार्बोकैटायन, अब आपका ये वाला कार्बोकैटायन यानी इसे हम बोल सकते हैं CH3 CH पे पॉजिटिव लगा लो, इसका होल ट्वाइस भी बोल सकते हो, ये जुड़ जाएगा और जब ये जुड़ेगा तो साहब आपका जो प्रोडक्ट होगा वो फिर ये होना चाहिए CH, यहाँ पर भी CH3 लगा होना चाहिए और यहाँ पर भी। ये है मज़ेदार एकदम बढ़िया कन्वर्जन जो वाकई में लगता है कि कन्वर्जन है ना। इस तरीके से ये पहला कन्वर्जन हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। दूसरा कन्वर्जन जो है वो दूसरा कन्वर्जन क्या है, दूसरा दिया हुआ इन्होंने पायराडीन बना के रखा हुआ है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन लगा दिया, ये बॉन्ड लगा दिए और इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने लिख दिया सोडामाइड यानी NaNH2 लिख दिया है और एरो पे लिख दिया है लिक्विड अमोनिया NH3 लिख दिया है। अब यहाँ इन्होंने क्वेश्चन मार्क बना दिया और पूछा कि भैया बताओ क्या बनेगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ इस क्वेश्चन मार्क में ये जो NH2 है ये सेकंड पोजीशन पर जुड़ता है पायराडीन में, यानी टू प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पर टू अमीनो
टू अमीनो पायराडीन का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ये मैंने पायराडीन जहां पढ़ाया हुआ है कैसे होगी ये रिएक्शन, वहां पर ये बात आपको समझा रखी है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग, ये पेज नंबर एक हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर दो पे। पेज नंबर दो पे हमें क्या करना है, एक कन्वर्जन मेरे पास में है, बहुत ही अच्छा कन्वर्जन है, ये तीसरा कन्वर्जन आपके सामने रख रहा हूं। बिल्कुल एक एक लाइन आप लिखते रहिए, कॉपी लेकर के बैठिए और तैयार हो जाइए बिल्कुल पेन लेकर के, जिससे कि आपकी केमिस्ट्री बोलने लगे, है ना। अब आप कहोगे सर केमिस्ट्री कैसे बोलेगी, तो बुलवाता हूँ मैं, केमिस्ट्री से भी बुलवा लेता हूँ। ये मैंने नेफ्थलीन लिया है, इस नेफ्थलीन को क्या करा है इन्होंने, एरो लगाया हुआ है और एरो के ऊपर लिखा, देख लेना ये आया हुआ कन्वर्जन है, कंसनट्रेटेड HNO3 लिया और नीचे लिखा मैंने कंसनट्रेटेड H2SO4, H2SO4 और यहाँ प्रोडक्ट की उम्मीद करी है। तो भाई साहब मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये नेफ्थलीन नेफ्थलीन ही रहेगा, लेकिन इसकी जो पोजीशन नंबर आपकी ये वाली यहाँ से गिनना चाहे 1 2 3 4 पोजीशन है बोलेंगे से, तो इस तरीके से इस पे लग जाएगा आपका NO2। तो ये आपका 4 नाइट्रो, ये 95% बनता है, ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ यहाँ पर। और बाकी ये सेकंड वाले नंबर का जो प्रोडक्ट बनता है वो थोड़ा कम बनता है, इसीलिए इस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये कन्वर्जन भी आया हुआ है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्वर्जन की। इस कन्वर्जन में हमने क्या करना है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये कन्वर्जन आ सकता है एग्जाम में, आपके सामने ये हाजिर हो सकता है। ये मैंने बेंजीन लिया और यहाँ इन्होंने CH2OH लिख रखा है, एरो पे इन्होंने यहाँ क्वेश्चन मार्क मारे दो, और क्वेश्चन मार्क मारने के बाद इन्होंने यहाँ पर किस तरीके से ये बेंजीन बनाई, और बेंजीन बनाने के बाद जो है बेंजीन को भी लग रहा है कि पोलियो जैसा हो गया, कोई नहीं इसको बेंजीन को मैं सुधारता हूँ, है ना, इसको पोलियो नहीं होने देंगे वरना तो दिक्कत हो जाएगी साहब। तो ये मैंने बेंजीन बनाया और यहाँ हमने लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पर लिख दिया है आपका CH3, हाँ CH3। ये प्रोडक्ट आपका सामने, अब को कह रहा है यहाँ होगा क्या। अब भैया सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देना चाह रहा हूँ कि जनाब यहाँ पर एक तो ये खास बात है कि ट्रिपल बॉन्ड लाना, ट्रिपल बॉन्ड कैसे आता है, अगर आपने मेरे चैनल की वीडियोस देखी तो मैंने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ाया है ट्रिपल बॉन्ड आता कैसे, लेकिन आज आप मेरे साथ में हैं तो मैं किसी भी कीमत पे आपको ये बताऊंगा कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे आता है। पहले तो भाई साहब इसमें SOCl2 डाल दो या PCl5 डाल दो, PCl5 डाल दो या फॉस्फोरस आयोडीन डाल दो, इनमें से कोई भी एक चीज आप डाल दीजिए। अगर आपने Cl वाला कंपाउंड डालना है, Cl वाला बनाना है, तो Cl वाला मैं बना लेता हूँ, SOCl2 डाल दिया तो CH2Cl भाई साहब ये बच जाएगा। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर मेरा मन करता है कि NaCl ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच थ्री से करा देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा और आपको वही मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। देखिए है ना बढ़िया रिएक्शन, एकदम अच्छी रिएक्शन है भाई साहब, इस रिएक्शन के लिए आपने मेहनत की है और ये रिएक्शन आपको कामयाब बनाए, इसी उम्मीद को लेकर के मैं ये लिख रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट आपका यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ पर पहली स्टेप यानी कि फर्स्ट जो कंपाउंड है वो आपका ये होना चाहिए और सेकंड कंपाउंड आपका ये होना चाहिए, यानी कि दो कंपाउंड यहाँ पर जरूरत पड़ेंगे तब ये प्रोडक्ट बन पाएगा। ये जरूरी है आपके लिए, क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जन बहुत ही बढ़िया एकदम मस्त कन्वर्जन है और ये कन्वर्जन एग्जाम में आ भी सकता है, इसको आने के चांसेस भी बहुत सारे हैं, तो इसलिए इनको करिएगा जरूर। इसके बाद एक कन्वर्जन ये है कि ये हमने लिया यहाँ पर, देखिए ये कन्वर्जन भी कितना अच्छा आया हुआ है कि यहाँ पर इन्होंने बेंजल्डिहाइड लिखा, ये CHO लिख दिया। इसके बाद इन्होंने इसका बता रहे हैं कि पहले स्टेप में यहाँ रिडक्शन करा दिया और दूसरी स्टेप में इन्होंने इसको करा दिया PCl5 ए बना दिया। ए बनाने के बाद इन्होंने इसकी रिएक्शन NaCN से करा दी, NaCN से करा दी तो बना दिया इन्होंने बी प्रोडक्ट बना दिया, और उसके बाद इन्होंने इसकी रिएक्शन करा दी यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दी।
एक काम ये भी हो सकता है कि हम केवल NaHSO4 भी लिख दे तब भी काम हमारा चलेगा। तो अब आखिरकार ये करेगा क्या, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बहन जी को बना लेता हूँ। ये मैंने बहन जी बना ली और ये यहाँ पर इनके CHO लगा दिए, तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया है। इसका अगर हमने रिडक्शन कराना है तो जैसे ही रिडक्शन कराएंगे तो सिंपल सा रिडक्शन है और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। जान लीजिए अच्छे से, CH2OH को अगर आपने PCl5 डाला है तो ये कंपाउंड आपका मिल रहा होगा CH2Cl, यहाँ पर मिल रहा होगा CH2Cl, मैं लिखे दे रहा हूँ इस तरीके से। और इसके बाद जो कंपाउंड बना है CH2Cl के बाद, इसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें लिखा है NaCl डाला, चलो NaCl डाल लो भाई। तो यहाँ से NaCl आपका निकल जाएगा और प्रोडक्ट आपको मिल जाना चाहिए इस तरीके से, कंपाउंड यहाँ पर CH2Cn आ जाए, आ गया ना। अब इसके बाद दिखाया था कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में आपने करना क्या है कि यहाँ पर CH2 आपने लगा देना है COOH, CN ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कन्वर्जन था आपके लिए, जो बहुत उम्मीद लेकर के आएगा। इस टाइप के कन्वर्जन आपको मदद एग्जाम में बहुत करेंगे। तो मेरे साथ आप अगर आज बने रहेंगे तो आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कन्वर्जन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसलिए स्किप करने की कोशिश आप बिल्कुल न करिएगा, ये मेरी आपसे पर्सनल राय है। अब एक कन्वर्जन ये भी है, आप जितने भी पेपर हैं वो UPPCS के उठा करके देखिएगा, उनमें ये सब कन्वर्जन आए हुए हैं। ये फिनॉल भाई साहब को आप जानते होंगे, बहुत पुराने हैं ये, इनको कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और हम लोग इनकी रिएक्शन AC2, ये रिएक्शन तो समझ लीजिए आ गई और ये आने की उम्मीद भी बहुत है। जैसे इसका एसाइलेशन कराएंगे, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड इसके मुंह में डालेंगे, यहाँ से ओ COCH3 बन जाएगा। जैसे ये कंपाउंड बनेगा इसको हम लोग Br2 से ट्रीटमेंट दे देंगे और इसके साथ भी हम लोग डालेंगे एसिटिक एसिड, मतलब ACOH डाल देंगे, तो ये एसिटिक एसिड बन गया। तो भाई साहब मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये कंपाउंड यहाँ पर आपका आ जाएगा ओ COCH3 आ जाएगा, और पैरा पोजीशन का प्रोडक्ट ज्यादा बनता है तो यहाँ पर मैं Br लगा लेता हूँ। इसके बाद वो कह रहा है कि इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क थे, मैं फिलिंग करता चल रहा हूँ, ये बात जान लीजिए आप। जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे तो सिंपल सी बात है कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे ये ग्रुप हाइड्रोलाइज होगा और फिनॉल में जो ग्रुप लगेगा वो कंपाउंड यहाँ पर आपका आ जाएगा OH, और यहाँ पर आपका Br आ जाएगा और साथ में CH3COOH यहाँ से निकल जाएगा। कभी आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज मैंने आपको बताई, समझाई, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए यहाँ पर छोड़ना नहीं है आपको बिल्कुल भी। अब अगली पेज पे हम लोग चल लेते हैं और आठवीं जो कन्वर्जन है वो आपको बताने की कोशिश करना है। सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पर बेंजोइक एसिड बनाया हुआ है, तो मैं भी बेंजोइक एसिड बना देता हूँ। तो भाई मैंने बेंजोइक, ये यहाँ पर COOH बन गया। इसको इन्होंने रिएक्शन कराया है SOCl2 से और पूछ रहे हैं कि आखिरकार यहाँ क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसकी रिएक्शन एनिलीन से करा दो, चलो इनकी बात मैं मान लेता हूँ, इसकी रिएक्शन एनिलीन से करा दूंगा। फिर बता रहे हैं अब क्या बनेगा बताइए, तो भाई सब क्या बनेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा कि इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर COCl बन गया होगा, है ना। बाकी यहाँ पर आप जान रहे हैं HCl और SO2 निकल गया होगा। और जब इसकी रिएक्शन आपने इससे करानी है C6H5NH2 से, तो एक HCl उड़ा दीजिए, और जैसे ही HCl उड़ा देंगे तो जैसा एसिटिनलाइड बनता था वैसे ही अब ये बेंज एनिलाइड तैयार हो गया, यानी कि ये आपका हो गया NHCONHC6H5। यानी कि अगर इस कंपाउंड को आप देखें तो ये कंपाउंड आपका CONH, यानी कि इस तरीके का कंपाउंड आपका जनरेट हो रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आप ऐसे करके एन, अब आगे ये जुड़ा हुआ है C6H5CO हो गया,
उसके बाद NH और यहाँ पर C6H5। अब आप इतना हिस्सा देखिए, बेंजामाइड दिख रहा है आपको, तो एन फिनाइल बेंजामाइड से बोला जा सकता है, ये कंपाउंड आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद नाइन, अब देखिए आजकल बार आते हैं पास में, यहाँ पर मैरिजलॉन भी है, बेचारे गार हैं, ठीक है उनकी मर्जी है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन दिया हुआ है, वो कन्वर्जन क्या बता रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जरा थोड़ा सा मैं अपना माइक सही करता हूँ, क्योंकि आप शोर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, आप इस तरह ना हो पाए। देखिए मैं यहाँ लगा लेता हूँ उसे, ठीक है। चलिए अब हमने क्या करना है कि इसका मतलब ये है कि अब नाइन्थ वाला जो कन्वर्जन था, जो मैं देख रहा था, वो कन्वर्जन क्या था वो मैं बता दे रहा हूँ। कन्वर्जन ये लिखा हुआ कि यहाँ पर तो CH3 है और यहाँ पर आपका CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पर भी आपका CH3 लगा हुआ है, और यहाँ लिखा है CH2Br, है ना। अब इसमें लिखा है इन्होंने एक्वस KOH, जब एक्वस KOH डाल दिया तो फिर यहां से KBr आप उड़ा दीजिए। जैसे ही KBr यहां से निकलेगा, प्रोडक्ट आपके सामने हो जाएगा, यहां पर ये CH3, यहां पर आपका CH3 और यहां पर आपका CH2OH हो जाएगा, सिंपल बात है। लेकिन वो उसने एक काम और भी किया हुआ है नीचे, वो काम खतरनाक कर दिया कि यहां पर उसने CH3 लिखा, यहां पर CH3 लिखा, यहां पर CH3 लिखा, यहाँ पर CH2Br लिखा, और इस बार उसने खेल ये किया है कि एल्कोहलिक क्योच लिखा हो, तो उस समय क्या होगा भाई, उस समय सिंपल सी बात है कि एल्कीन बनेगा। लेकिन जब एल्कीन बनेगा तो इसके अंदर शिफ्टिंग भी होगी, और ये आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ CH हो जाएगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3। ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें होना क्या है, इसमें आपने देखा होगा CH3 भी शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन भी शिफ्ट होगा, सिंपल सी बात, मिथाइल शिफ्ट यहाँ पर काम कर जाएगी। ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एक इवन जिसे हम लोग बोलते हैं, उस रिएक्शन का डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, और उसी के अंदर ये रीअरेंजमेंट स्टेप है जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की वजह से ऐसा करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है, इसी वजह से ये कन्वर्जन इस पैटर्न पे होगा। इसके बाद जो कन्वर्जन मैंने लिख रखे हैं वो कन्वर्जन भी आपको दिखाई दे रहा हूँ, वो कन्वर्जन कौन से हैं, देखिए बहुत ही अच्छा कन्वर्जन आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, और ये कन्वर्जन मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ। ये 11th कन्वर्जन है, देखिए बहुत एकदम बढ़िया कन्वर्जन ढूंढ करके लाया हूँ आपके लिए, ये बहुत ही अच्छे कन्वर्जन है जो आपकी मदद एग्जाम में करेंगे। ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर CH2 है, यहाँ CH है, और यहाँ फ्लोरीन लगा रखा है इन्होंने, और इसके बाद यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने CH3ONA। तो भाई साहब मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जब भी CH3ONA और हीट लिखा हो तो ये एक्चुअल में इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ये जल्दी लीविंग इजिली लीव नहीं करता है। तो यहां पर आपने सेडजेफ रूल का नाम भी सुना होगा कि दैट एल्कीन इज ऑब्टेंड विच इज मोर एल्काइलेटेड, तो यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा, ये आप अच्छे से जान लीजिए, ये बात अपने दिमाग में उतार लीजिए, है ना। उसके बाद अगर यहां पर सीएल आ जाए तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर यहां पर आ जाए ये प्रोडक्ट, यानी कि अगर यहां सीएल आए तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखिएगा ये बात, ये मैं लिखे दे रहा हूं, चलिए बनाए दे रहा हूं, ये मैंने लिख दिया CH3, ये मैंने लिख दिया CH2, और यहां पर मैंने लिख दिया CL, और यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3, और यहाँ पर वही सेम कंडीशन है, तब भी फिर आपको प्रोडक्ट यही बनाना पड़ेगा। अगर आप इसके अंदर दूसरा प्रोडक्ट बनाते हो तो वो लेस बनेगा अमाउंट में, ज़्यादा नहीं बनेगा, एक बात। दूसरी बात हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने इसी तरीके का यही कंपाउंड हमने उठा लिया CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH, ऊपर मैंने CL लगा दिया, और यहाँ पर CL, ये आया हुआ कन्वर्जन है, मैंने कुछ नहीं किया, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इसमें CH3 का होल थ्राइस COK लिखा हुआ है ना।
टर्सरी ब्यूटॉक पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि अब कौन सी एल्किन बनेगा, अब एल्किन यहाँ पर इस तरीके की बनेगी CH2। ये सिर्फ सब रिएक्शन जो हैं वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर जरा सा रिएजेंट चेंज हो रहा है तो प्रोडक्ट बदल रहा है। तो प्रोडक्ट और रिएजेंट की ये जो लड़ाई है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चौथा जो हमारे पास कन्वर्जन है वो कन्वर्जन इतना दमदार है कि आपको पहले से ही आता होगा। ये कैसे दमदार है वो आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर PDBaSO4 और हाइड्रोजन लिखा हुआ, ये PDBaSO4 है और हाइड्रोजन इसके मुंह पे जाके चिपका दो, तो आप जान रहे होते हैं अच्छे से कि भैया आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो सीधा ब्यूटेन मिलेगा, यहाँ पर CH3CH2। क्योंकि अगर PDSO सॉरी ब्यूट मैंने गलत बोल दिया, ब्यूटीन मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर डायरेक्ट आपने लगा होता कि H2 निकल होता तो डायरेक्ट ब्यूटेन मिलता, लेकिन ये कंट्रोल्ड है इसीलिए इसको आप है इस तरीके से बना सकते हैं। सेबेटियर सैंडर्सन्स रिएक्शन के नाम से भी ये रिएक्शन जानी जाती है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको आप जरूर पढ़िएगा। 15 पे चले आइए। 15 में क्या होगा कि 15 वाला कन्वर्जन मैंने लिख रखा है यहाँ पर, इजी है, ये आप कर सकते हैं। ये आया हुआ है चूँकि इसलिए मैंने लिख दिया है। ये मैंने यहाँ पर फिनॉल लिया है और इन्होंने यहाँ लिख दिया है, ये कन्वर्जन आप ही करेंगे, मैं कुछ नहीं करूँगा। CCl4 लिखा है, KOH लिखा है, अब आप पकड़ चुके होंगे, और उसके बाद लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, बताया कि क्या बनेगा। तो आप जानते हैं कि सैलिसिलिक एसिड बनने वाला है, वो आप इजीली पहचान चुके होंगे। और ये रीमर टीमेन रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। ये रीमर टीमेन रिएक्शन भी है और साथ में ये सैलिसिलिक एसिड इसमें बनता ही है, वो आपको पता है। अब हमने कन्वर्जन कौन सा देखना है, बहुत ही अच्छा कन्वर्जन है, मज़ा आपको आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा, न मज़ा आए तो आप कहिएगा। ये हमने 16वां कन्वर्जन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पर नेफ्थलीन, क्या ले लेता हूँ मैं यहाँ पर नेफ्थलीन ले लेता हूँ। अब इन्होंने दिया है वो मैं पहले आपको दिखा दूँ, उसके बाद आप हमसे बात करिएगा। ये मैंने V2O5 ले लिया और यहाँ पर इसको थोड़ी ऑक्सीजन सुंघा दी और 450 डिग्री सेल्सियस पर इसको ले कर तब ये बैठ जाइएगा, है ना, तब ये बैठ भी ना जाना। यहाँ पर ए बना और इसके बाद इसको मैंने यूरिया सुंघाई, थोड़ी सी यूरिया इसने खाई और यूरिया खाने के बाद इसने बी बना दिया, और बी के बाद इसको हमने थोड़ा सा ब्रोमीन वाटर पिलाया, Br2 पिलाया, थोड़ा सा इसको मैंने नहलवाया एनओएच डाल के, तो यहाँ सी बन गया। अब मैं आपको हिंट देता चल रहा हूँ, आप बनाते चलिएगा। जैसे इसको आप V2O5 के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो यहाँ पर थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, यानी कंपाउंड जो बनने वाला होगा वो ये कंपाउंड बनेगा। अब आप अपना दिमाग लगाइएगा, मैं आपको एक हिंट मैं दूंगा, बाकी हिंट फिर आप अपने आप अप्लाई करिएगा। ये मैंने बना दिया कंपाउंड, इसको यूरिया से कराना है। फार्मूला आपको यूरिया का पता ही है, N2O2 होता है, यहाँ आ जाएगा। जब यूरिया से एमाइड बना लेना तो ये हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन है, तुरंत एमीन NH2 बना देना, सिंपल सा कंपाउंड है, बना लेंगे आप जहाँ तक मेरा अनुमान है। अगर ना बना मिले तो फिर आप एक हिंट ले लीजिए हमसे, यहाँ पर CONH2, यहाँ पर भी CONH2, और यहाँ पर जब CONH2 का हॉफमैन्स कराओगे तो वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको करनी है, थोड़े बस कन्वर्जन अगर आप भी करेंगे ना तो अच्छा लगेगा मुझे। चलिए, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते रहेंगे तो मैं भी आपका सपोर्ट करता रहूँगा। यहाँ पर CONH2 बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा, है ना, इस तरीके से CONH2 बन जाएगा। इसको Br2NH के साथ में हीट कर दीजिएगा तो ये वाला CONH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बना लेंगे आप, मुझे अच्छे से पता है, मुझे अच्छे से ये बात समझ में आ रही है कि आप ये काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कन्वर्जन लिखा है वो कन्वर्जन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतने बढ़िया कन्वर्जन आपके लिए यार लाया हूँ, और थोड़ा सा समय मेरे साथ खर्च करिए आप अपना, आपको आनंद आएगा कन्वर्जन में। ये मैंने यहाँ पर NH2 ले लिया, एरो पे लिखा है, इसमें थोड़ा सा NaNO2 डाला गया है, इसमें HCl डाला गया, टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस रखा गया, 0 से 5, तो आप जानते हैं कि डाइएजोनियम सॉल्ट तैयार हो जाएगा। तो COOH पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर N2Cl बन जाएगा, है ना। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि इसमें हमने डाल देना है हाइड्रोलिसिस करा देनी, H2O डालना, तो यहीं पर अटैक हो, वहाँ तो कुछ होगा नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं वहाँ बीच में आप फंस गया हूँ, तो मैं इसको नीचे की तरफ लिखूँगा जिससे कि आपको ये लगे ना कि सर बीच में आ गए हैं। यहाँ पर मैंने हाइड्रोलिसिस करा देनी है, जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराऊँगा तो आपको अच्छे से ज्ञात होगा, है ना, कि यहाँ पर तो कोई चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर वही HCl निकलेगा और N2 निकलेगा, OH जुड़ जाएगा, इस कम ये कंपाउंड आपको मिलना चाहिए।
इसके बाद वो और भी कुछ कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इसमें थोड़ा सा ये हर बार में ये ऐड जरूर डाल देते हैं AC2O। अब AC2O पायरेडीन की प्रेजेंस में डाल दिया, डाल दो भैया, मेरी तो चलेगी नहीं, आप ही की चलेगी, पेपर आपने बनाया हुआ है ना, तो ये तो मैं AC2O की प्रेजेंस में और यहाँ पायरेडीन डाल दिया है, तो अब ये क्या प्रोडक्ट बनेगा ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अब आप ध्यान रखिएगा, ये तो सैलिसिलिक एसिड है और सैलिसिलिक एसिड का एसाइलेशन कराया गया है। आप यहाँ पर कंपाउंड आप बताएंगे, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क अब लगा के छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे अब लगने लगा है कि नहीं अब आप मुझे बता देंगे, इसलिए मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, क्योंकि ये रिएक्शन अब जानी पहचानी रिएक्शन है। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि एसिटिक एनहाइड्राइड जोड़ा गया है तो ये यहाँ जुड़ना है या यहाँ जुड़ना है, बस इतना आपका काम है। अगर आप ये काम बताएंगे तो मुझे लगेगा नहीं आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये इंतजार करूंगा मैं आपका इस वीडियो के इनबॉक्स में कि नहीं आप जवाब कह देते। एक इन्होंने बना रखा है कन्वर्जन, वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। इन्होंने यहां लिख दिया ए और ए के ऊपर डाल दिया अमोनिया और इसे कर दिया इन्होंने हीट। यहां इन्होंने बी बना दिया है और बी को इन्होंने कह रहे हैं कि Br2 और KOH डाल दीजिए, तो डाल देंगे भाई, तो इन्होंने सी बना दिया। अब सी बनाने के बाद जो है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर NaNO2 डाल दो और साथ में यहाँ थोड़ा HCl और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रख दीजिए। बता रहे हैं कि यहाँ बन गया C6H5 N2Cl बन गया। अब ये क्या रहे होंगे वो आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए हम उल्टा ही चल लेते हैं, यहाँ पर एनिलीन रहा होगा तभी तो बनेगा, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन तभी तो पॉसिबल है जब एनिलीन रहा होगा, तो यहाँ एनिलीन बना लीजिए। यहाँ पर ये बेंजामाइड रहा होगा क्योंकि बेंजामाइड के ही हॉफमैन से बना होगा एनिलीन, और जो ये कंपाउंड रहा होगा ये रहा होगा बेंजोइक एसिड, और ये बेंजोइक एसिड का ही आप अमोनिया से हीट करेंगे, तो ये स्टेप्स आपके सामने हाजिर है साहब, समझ गए ना। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए कितना बढ़िया कन्वर्जन लाया हूँ यार आपके लिए, और फिर भी आप वीडियो स्किप कर जाते हो यार, हाँ दिखता है मुझे यहाँ से। तो अब इसके बाद इन्होंने कंपाउंड लिया है, ये देखो कितना दमदारी से कंपाउंड दिखाया है, ये और यहाँ पर लिखा N और यहाँ लिखा H, और ये आप पहचान चुके होंगे कि ये क्या कंपाउंड है, पायरोल है ना, और ऊपर लिखा इन्होंने कंसनट्रेटेड HNO3 और नीचे लिख दिया कंसनट्रेटेड H2SO4 और यहाँ लगा दिया क्वेश्चन मार्क, बोलो जय हो। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको मात्र यहाँ पर NH लिखना है, ये लिख दिया मैंने NH, इस तरीके से ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, और सेकंड नंबर पे आप यहाँ पर NO2 लगा दीजिएगा तो 2 नाइट्रो पायरोल आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, 20वें में क्या दिया है, अरे वाह 20वें में तो फ्यूरॉल दे दिया, तो ये आपका फ्यूरॉन हो गया। इस फ्यूरॉन के ऊपर क्या डाला, नहीं फ्यूरॉन नहीं, फ्यूरोनाल्डिहाइड दिया है, और इसके ऊपर इन्होंने Ag2O डाला है और साथ में थोड़ी सी स्टीम भी फूंक दी है, तो जैसे ही Ag2O स्टीम फूकोगे फ्यूरोइक एसिड बन जाएगा, है ना, ये बन गया यहाँ पर COOH बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे कन्वर्जन मैं आपके लिए सटीक ढूंढ करके लाया हूँ। इसके बाद भी अगर आप खुश नहीं हुए तो फिर मुकाम्बो कब खुश होगा भाई, है ना, ऐसे किया ऐसे किया, यहाँ पर ओ लिया, ये कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन करा दी गई है HgCl2 से और आगे लगा दिया है क्वेश्चन मार्क डब्बा। अब इसने क्या करना है, इसके एरो के ऊपर भी कुछ लिखा है, एरो के ऊपर लिखा है CH3COONa लिख रखा है, थोड़ा एरो बड़ा बनाया यार, मज़ा नहीं आ रहा है, एरो थोड़ा लंबा आना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए CH3COONa लिखना चाहिए, और नीचे इन्होंने इसे लेके तबे बैठ गए, मतलब गर्म कर दिया, मेरी आदत है ऐसे बोलने की, आप बुरा ना मान जाइएगा, ये ऐसे लिया वो यहाँ पर, मेरे क्लास में एक बार आओगे ना तो फिर और कुछ मज़ा आएगा आपको, अभी इस पे पढ़ाने पे और क्लास में इंटरेस्टिंग जो मज़ा आता है, मेरे क्लास जो बच्चे ज्वाइन करते हैं जो पढ़ते हैं वो वाकई में, मतलब मैं अपनी ये नहीं कहना कि सर तारीफ़ कर रहे हैं, अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे भी उनके साथ बहुत इंटरेस्ट आता है, मुझे पता नहीं लगता कि कब टाइम ख़त्म हो जाता है। तो अगर ये कंपाउंड आपके सामने बना हुआ है, इस कंपाउंड यहाँ तक तो था क्वेश्चन, इसके आगे ये मैंने जोड़ा हुआ है, ये मैंने इसलिए जोड़ दिया कि अगर यहाँ Cl2 डाल दिया मान लीजिए आपने, तो Cl2 डालते ही ये कंपाउंड फिर पॉसिबल है बनने का, ये इस तरीके से ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया, यहाँ बन जाएगा। और अगर वो कह रहा है कि इसके अंदर RCOCl डाल दिया तो फिर कंपाउंड ये मर्क्यूरेशन रिएक्शन भी कहलाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरीके से यहाँ कंपाउंड यहाँ पर COR जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनने के चांस है। हालांकि पेपर में इतना ही आया था, आप देख लीजिएगा पेपर में इतना ही है। इसके बाद ये मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर,
इसके बाद 22वां कन्वर्जन जो है वो दिया है इन्होंने इसी तरीके से। आप देखना इस तरीके कन्वर्जन बहुत आते हैं एग्जाम में। ये मैंने कंपाउंड बनाया और इसकी रिएक्शन मैंने अमोनिया से करा दी। जैसे ही अमोनिया से कराई Al2O3 की प्रेजेंस में, अब आप समझ चुके होंगे, तो आप जरा भैया एक बार प्रोडक्ट बना के जरूर दिखा दीजिएगा। एक 22वां 23वां कन्वर्जन जो है वो ये दिया, क्योंकि कुछ आप भी तो करें यार, क्योंकि मेहनत जो है वो हमें तो करना नहीं है कि भाई मैं तो केवल अपना सब्जेक्ट मेंटेन रहे, मुझे आपसे जो है वो लगाव है इसलिए मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूँ, अदरवाइज तो फिर आप जान ही रहे कि अपना तो काम चल ही रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, अपना तो हो ही गए हैं सरकारी दमाद। चलो अब यहाँ पर हो गया आपका एस, लेकिन नहीं, समस्या है कि अगर आपने ये सोच लिया कि मैं जॉब पा गया तो स्थिरता आ जाएगी, स्थिरता नहीं आनी चाहिए, इसीलिए मैं ये सब करता हूँ, क्योंकि स्थिरता ना आने पाए तो ये पूछा गया। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, तो आप समझ गए होंगे थायोफिन बनेगा और यहाँ पर आपका ये H2 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और 24वां पूछा गया है, वो 24वां क्या है, ये पायरोल बनाया इन्होंने, ये पायरोल दिया है और पायरोल के बाद जो है वो इन्होंने लिख दिया इसके ऊपर Ac2O, ये बहुत जल्दी लिख देते हैं, Ac2O लिख दिया और SnCl4 लिख दिया बता रहे हैं। तो ये रिएक्शन अगर आप जानना चाहें तो ये रिएक्शन क्या होगी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। NH हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आपका COCH3 छोड़ जाएगा, ये वाली स्टेप यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आप कन्वर्जन जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है और कुछ कन्वर्जन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लगा रखे हैं। तो वो प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से कन्वर्जन है ज़रा देख लीजिएगा। ये मेरे पास में, मैंने आपके लिए पर्सनली ये होमवर्क आज मैं दे रहा हूँ और देखें कितने बच्चे ये होमवर्क करते हैं। ये मैं यहाँ पर लिखे ही दे रहा हूँ होमवर्क, और अगर आप ये होमवर्क एक फ़ोटो पर यानी पेज पर लिख करके मुझे अपने ग्रुप में भेजेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेहनत की। सबसे पहला स्टेप है, पहला कन्वर्जन है C6H5Cl दिया है, इसका रिएक्शन NaOH से कराया गया है और यहाँ पर एरो लगा के क्वेश्चन मार्क जाने दिया, पता नहीं भगवान जाने क्या बनेगा, वो आप ही बता पाएंगे। इसके बाद कह रहा है कि एक कन्वर्जन है C6H5Cl लिया है, यहाँ पर इसने अमोनिया डाली है, यहाँ पर इसने क्यूप्रस ऑक्साइड भी डाला है और फिर कह रहा है कि आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो शर्मा जी ने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। इसके बाद कह रहा है कि हमारे पास में ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, ये बहन जी हैं, ऊपर क्लोरीन जी नाच रही हैं, इधर नोटू भैया बैठे हुए हैं, इधर भी नोटू भैया बैठे हुए हैं, इधर भी नोटू भैया बैठे हुए हैं और इन नोटू भैया के साथ में इसमें डाल दिया गया है Na2CO3। अब कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क, बताइए आप ही बताइए जनाब क्या होगा। तो ये होमवर्क, कभी कभी मजा आता है होमवर्क कराने में। इसके बाद जो है इनको जनाब को ये बहन जी बना दी, बहन जी के एक ऊपर एक नीचे दोनों तरफ जो है मैंने NH2 लगा दिया है ना, ये लगा दिया। इसको रिएक्शन करा देना है इन्हें इस कंपाउंड से, ये कंपाउंड आप डाइकीटोन है, आप पहचान लीजिए इन्हें CO हो गया और ये CO हो गया और ये आपका C6H5 हो गया, इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जनाब। इसके बाद पांचवा जो है वो आप ही के लिए है और आपके लिए क्या है वो भी जान लीजिए। ये बहन जी हैं और बहन जी के ऊपर भी नोटू हैं, नीचे भी नोटू हैं, दोनों तरफ नोटू लगा के आप इसकी रिएक्शन C2H5OK से करा दीजिएगा और यहाँ पर OK हो जाएगा मामला। तो ये कन्वर्जन कुछ मैंने आपको दे दिए। छठा कन्वर्जन वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ यहाँ पर C6H5N2Cl लिखा है, एरो पे लिखा है यहाँ पर H3PO2 लिखा है ना, और साथ में इसमें थोड़ा सा वाटर डाला है, बता रहा है क्या बनेगा आपको बताना है। सेवेंथ कन्वर्जन जो है वो लिखा है C6H5OH लिखा है और एरो के ऊपर लिखा है C6H5N2Cl और ये मीडियम इन्होंने बेसिक दे रखा है, प्रोडक्ट पूछ रहे हैं क्या बनेगा आप बताएंगे। तो ये 7 कन्वर्जन जो है वो मैंने आपके लिए सजो करके रख दिए हैं, तो इसलिए इन कन्वर्जन्स को करिए, प्रैक्टिस करिए, बढ़िया से बढ़िया स्टेप मैंने आपको बताई हैं, बढ़िया से बढ़िया कन्वर्जन मैंने ढूंढ के आपको बताए हैं, इनको छोड़ना किसी कीमत पर आपको नहीं है। ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आप कॉपी पे लिख लीजिए, गारंटी है इस बात की कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलना तय है बिल्कुल उम्मीद के साथ। एक एक वीडियो PGT की एक एक वीडियो देख डालिए, अगर आपको फ़ायदा ना हो तो कहिएगा,
बहुत से लोगों को डिट्टो क्वेश्चन मिले हैं इसमें से, इसलिए आपको भी डिट्टो ही मिलेंगे। आप बेफिक्र रहिए और आप इस वीडियो को देख करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, जिससे ये सब आप तक ना रहे, दूसरों तक भी पहुंच जाए, और दूसरों तक पहुंचेगा तो उनका बेचारों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो सबका भला तो हमारा भला, इस कंसेप्ट पे चलते रहिए। आपको फिर मिलूंगा नई वीडियो में, नए क्वेश्चन के साथ, नए कन्वर्जन के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करिए।